तो आप सभी को बहुत नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस व्लॉग में। हम आज जा रहे हैं अहमदाबाद। और कहाँ जा रहे हैं हम आज? मजाक नहीं, सही बताओ कहाँ जा रहे हैं? वडोदरा टू अहमदाबाद। मेरे को बचपन में पढ़ाया था, मेरी एक टीचर हैं जब मैं बहुत छोटा था, केवल मैं 4 साल का हूँगा उसमें शायद। तो मेरी जो अध्यापिका थी वो अहमदाबाद रहती हैं, उन्होंने हमें आमंत्रित किया है अपने घर पर, तो हम वहाँ भी जाएंगे उनसे मिलने के लिए। और वो शायद काफ़ी भावनात्मक पल होने वाला है मेरे लिए, क्योंकि मैं उनको कई सालों बाद देखूँगा और मैं केवल 3-4 साल का था जब वो मुझे पढ़ाती थी। मैं ताता के गुरु है ना? हाँ, मेरे गुरु। और कितना कितना दूर है? बस यहाँ से 100 मीटर दूर है। 100 मीटर? और हम यहाँ है ताता के गुरु, और ये है एंड व्लॉग का, और दूसरे व्लॉग भी आएंगे, वो है व्लॉग 94 95। So we are getting inside. No, I will vlog. This is my turn. Come on, little boy. But you are talking in English and it's supposed to be in Hindi. Are wa? Pas na idea ko pehchan da ve. क्रेटा वैसे कहने को तो अच्छी है, परंतु ये खराब हो गई थी रास्ते में। हाँ, कर्नाटक में जब हम थे तो एक बीच में खराब हो गई थी, इसका गियर फंस गया था, फिर काफी इसमें काम कराना पड़ा। और नई कार है, मतलब ज्यादा पुरानी नहीं है, केवल 18,000-20,000 चली थी उस समय। अच्छा, मेरे बड़े बड़े बाल थे ना, और शायद हमारा मुंडन लेट हुआ था। ऐसे बाल थे, और फिर वो नहीं वहाँ एड्रेस कराते थे बच्चों को, सुनाते थे, तो फिर इसके बाल खुल जाते थे तो चोटी बना देते थे, तो इसकी मम्मी कहती थी चोटी किसने बनाई। एंड फॉर हाउ मेनी इयर्स शी वाज योर टीचर? आपने कितने साल पढ़ाया था मेरे को? 2 साल की 3 साल तो पढ़ाया था ना? हाँ, 2 या 3 साल। आइए ठंडक की नहीं, आइए ये फैन चालू करना चाहिए। अरे आप चिंता मत करो, हमें कोई गर्मी नहीं लग रही। ना ऐसे नहीं गर्मी, हम लोग नहीं लग रही गर्मी। ना ना, आर यू ओके? क्या मालूम सेल नाम तो नहीं हुआ इसका। भारतीय क्रिकेट टीम में जो फास्ट बॉलर हैं जसप्रीत बुमराह, वो भारत मतलब भारत के ही नहीं, वो विश्व के सबसे अच्छे बॉलर्स में एक माना जाता है उनको। तो उनके शुरुआत के शुरुआती दिनों में गुजरात में ये जो सज्जन बैठे हैं मेरे साथ में, इन्होंने उनको कोच किया है, ये उनके गुरु रहे हैं। तो थोड़ा सा बताइए ना मेरे को, थोड़ी सी यादें हो आपको थोड़ी बहुत। वो जसप्रीत बुमराह, एक सेकंड, हमारा इंटरव्यू चल रहा था पर ढोकले आ गए हैं, वो भी खाएंगे। अरे पात्रा भी आ गया, मुझे बहुत पसंद है, पर पहले मैं वो जसप्रीत बुमराह की कहानी सुनना चाहता हूँ कैरोलिना। हम बताइए प्लीज। तो वो HB कापड़िया स्कूल है इधर, वहाँ पे पढ़ता था और उसी की टीम के लिए वो रहा कोचिंग चलता था इधर, वहाँ पे वो आता था। तो करीब 2 साल वो हमारे साथ वहाँ पे स्कूल के साथ रहा, स्कूल की टीम में। उसके बाद वो मूव कर गया। अच्छा, और बाद में तो उसका सबको पता ही है। बाकी सिखाने का तो उसको हमने कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं सिखाया। अच्छा, वो नेचुरली बॉर्न क्रिकेटर। अच्छा, वो टैलेंटेड था? टैलेंटेड पहले से ही था उसका। जब वो उसकी एज जब हमारे पास था तब 12 से 14 के बीच का था, मगर वो जब उसके लेवल के बच्चों के बॉल डालता था या बड़ों को भी डालता था तो उसकी बॉल किसी को दिखती नहीं थी। अच्छा, वो स्टंप में बॉल डाला था उसकी डंडी की, और उसका थोड़ा सा एक्शन भी थोड़ा सा अलग है, और था बिल्कुल। हमने कभी उसको इम्प्रूव करने का कोशिश नहीं किया। अच्छा, हमने उसको बोला जो तेरा है उसको पकड़ के रख, खाली एक ही चीज थी उसका जो 9 बॉल का प्रॉब्लम था, तो 9 बॉल के लिए उसको मैंने उसको ऐसा बोला था कि आप जो क्रीज होती है क्रीज के एक स्टेप पीछे से आप बॉल करो, क्योंकि उसका फुट बड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक हम उसको, क्योंकि बहुत 9 बॉल डालता था जब बच्चा था, तो उसको 9 बॉल का कुछ उसका था भी नहीं, और वो उसके बाद उसने बहुत ही, और फिर तो उसने बहुत, फिर उसको कोचिंग बहुत अच्छे लोगों से कोचिंग मिली है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मलिंगा से लेके सब, काफ़ी बहुत अच्छा क्रिकेटर था, पर बहुत ही डाउन टू अर्थ लड़का, बहुत ही क्लियर विजन वाला लड़का। खेलना है तो खेलना ही है, फिर मगज में कोई उसको साइड, कोई साइड की कोई बातें ही नहीं, खेला है खेल नहीं, मतलब लगन बहुत थी उनमें। लगन बहुत अच्छा था। बहुत अच्छी बात है।
अच्छा लगा सुन के। थोड़ा सा पेट पूजा कर लेते हैं। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये सब बिल्कुल गुजरात किया। आपने बोला ना गुजरात, मैं पहले यही का जो आप बिल्कुल 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 गुजरात का बेटा, मैं इसको समझाता हूँ। ये होता है पात्रा, ये मतलब गुजरात में आपने पात्रा नहीं खाया ना तो कुछ नहीं खाया। कैसा लगा आपको, पसंद आया बताओ, सच बताना। जलेबी उठा रहा है वो तो, इतनी बड़ी वाली जलेबी सीधे मुंह के अंदर, क्या बात है। गुजराती कड़ी जो सफेद रंग की होती है ना, मीठी सी। अच्छा अच्छा, वो ढोकले के ऊपर। हाँ हाँ हाँ, इसके साथ खाते हैं। अच्छा, ये सैंडविच ढोकला है। हाँ हाँ, और ये दाल बाटी खमड़ है। अच्छा, और ये पपैया की वो है छेड़। मतलब मैंने तो आज, हमने ब्रेकफास्ट किया था होटल में बुफे, तो उनके सारे पात्र खत्म कर दिए मैंने। ऐसा पसंद है? मैंने सारे खत्म कर दिए, वो सब लेके आओ। वो रिफिल कर रहे थे फिर बाद में उसे। मम्मा नहीं, बच्चे को मैं पकड़ लेता हूँ, खाओ आराम से। मतलब जब तक मेरे आपके फोन है आप मुझे बच्चा दोगे नहीं है। बताओ ना क्या फेवरेट है, बताओ। हाउ मेनी जलेबी? तो खाने का तरीका समझ लो कैरोलिना, बता रहे हैं आपको। देखो ये है खापड़ा ना, खापड़ा खापड़ा, खापड़े के साथ ये चलता है, ये दोनों चलते हैं, मेन ये चलता है, और ये फिर ये भी चलता है, और इसके साथ इसको बोलते हैं ढोकला। हाँ, इसको खमड़ बोलते हैं, खमड़ बोलते हैं, खमड़ के साथ बोलते हैं वाटली दाल के खमड़, वाटली दाल, वाटली दाल के खमड़। और ये इसके साथ चीज चलता है ना? हाँ, ये चलता है। इसका नाम क्या, चटनी का? चटनी, ये चटनी, इसको ये गाठिया की चटनी बोलते हैं, गाठिया की चटनी। हाँ, और ये नायलन खमन, और ये सैंडविच ढोकला, सैंडविच ढोकला, और ये पात्रा, पात्रा वो तो चले भी, और ये कड़ी हो गई, और ये कड़ी है ना, कड़ी अधिकतर इसके साथ। तो नाश्ता हुआ गुजराती? ये गुजराती नाश्ता, नाश्ता ही है, ऑल डे ब्रेकफास्ट है। मैं खिलाता हूँ अपने हाथ से, देखो ये इसको खापड़े के अंदर, ये दोबारा सलाद, और ये मुँह में गया अंदर सीधे। अब बताओ कैसा लगा, तो खाओ आराम से फिर बताना। बताओ बताओ कैसा लगा, 10 में से कितने नंबर? 5, और बढ़ाओ आगे, 4, 9। हुआ बेटा, अच्छा यहाँ पे, अच्छा झूला भी है, वो सो गया है देखो। क्या बेटा, मंकी दिखा आपको, क्या बोलते हैं हिंदी में मंकी को, बताओ, बंदर, बंदर। अभी वहाँ था ना इसलिए, तो इनको यहाँ पे बालकनी में, अच्छा तो अच्छा बालकनी में इनको बच्चों को बंदर देखने का मन कर रहा है। बंदर असली आ गया ना तो ऐसे डर के भागेगा। ये आइसक्रीम खानी पड़ती है यहाँ पे, जो भी आता है वो आइसक्रीम जरूर खाता है। अभी फोटो खींच रही है, लेकिन आइसक्रीम तो चाहिए। क्या बात है ना, आप बड़ी खुश लग रही है आज। आइसक्रीम शॉप नहीं, आइसक्रीम, अच्छा घंटी बजा के आइसक्रीम शॉप, अच्छा अच्छा। अब मैं समझ गया, किसी ने क्या है, अहमदाबाद की आइसक्रीम। कौन सी आइसक्रीम है, क्या बोलते हैं, राजा रानी, ये यहीं का लोकल ब्रांड है कोई? अच्छा, कैरोलिना आपको बाहर दूंगा क्या आइसक्रीम? अंदर ले लो, गर्मी है, अंदर ही आ जाओ ना, बच्चे को मैं उठा लूं। बात यह है कि वो उनकी गोदी में सोता है बच्चा, और किसी की गोदी में सोता नहीं है। मैं अपने हाथ से खिला दूंगा आइसक्रीम आपको कैरोलिना। मेरी गोदी में आती रोता है बच्चा। बेबन बताओ कैसी लगेगी आइसक्रीम? तो खैर इसने आज तक बुराई करी नहीं है। अच्छा, आइसक्रीम, अच्छा अच्छा। जाने का समय हो चुका है, और जाने से पहले अभिषेक, तिलक, क्या बात है। Can you?